तो कहने का मतलब है कि जो हार्डवर्क है, फिजिकल मेहनत है, राइट, वो सब इंजीनियरिंग ने सिखाया है. मतलब ऐसे ही रोटी नहीं मिलेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी. जो उसमें मेन पार्ट है स्ट्रगल, जितनी जितनी ऑब्स्टेकल्स के थ्रू आप लोग जाते हो और उसके थ्रू जाने के लिए आप जो सॉल्यूशंस निकालते हो खुद से, इट मेक्स यू ग्रो इन लाइफ. सब चीज का सॉल्यूशन नहीं देगा, बट सब चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है, वो माइंडसेट देता है. एकदम परफेक्ट योगेश भाई, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. लाइक इट गिव्स यू अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग के कोई भी सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम को किस तरह से सोचना है, वो इंजीनियरिंग इज व्हाट को सिखाती है. बिकॉज giving my background, production में there were combined courses on management as well as technical. And technical taught us कि problem solving कैसा करना है, कि मेरे पास छह चीजें हैं, एक variable है या दो variable है, how to figure out which variable has to be found out from which formula or which method. Management, it taught me how to approach a problem and find out the solution that someone else has already faced in their life or in a scenario. So that's one thing to add up. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोजेक्ट, राइट, जो यूजुअली हमारे में तो एक एक बंदा था, उसके पास ऑर्डर करके लाते थे, राइट, ऑब्वियसली ऐसे कॉमन है बहुत. तो ये प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है. टीम बिल्डिंग है, इनोवेशन है, हार्डवर्क है, राइट. लास्ट ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. अगर लास्ट ईयर सिर्फ पढ़ाई 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 की ना, तो क्लर्क बन के इंसान रह जाता है लाइफ टाइम.